जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं फागुन मास में क्या करें क्या ना करें और किस देवता की करें पूजा। फागुन मास का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है। ये वही समय होता है जब बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस महीने का नाम फागुन मास रखा गया है। इस वर्ष फाल्गुन का यह महीना 17 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन मास का धार्मिक महत्व के साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास में किसकी पूजा करें और दान से क्या कल्याण होता है। बता दें, इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना भी माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना फरवरी और मार्च के बीच में पड़ता है। फाल्गुन मास के आगमन के साथ गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। बसंत का प्रभाव होने के चलते इस महीने में रिश्तों में मधुरता आती है और पूरा वातावरण मनमोहक रहता है। हिंदू मान्यता के दो सबसे बड़े त्योहार महाशिवरात्रि और होली इसी महीने मनाई जाती है। वैसे आपको बता दें, बदलते ऋतु के साथ अगर आप अपना खान पान में परिवर्तन लाएंगे तो ये अत्यंत लाभकारी माना जाता है। घी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। इस महीने में सुबह जल्दी स्नान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुन महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस समय चंद्रमा को जल अर्पण करके पूजा करने से चंद्रमा की विशेष कृपा बरसती है। फाल्गुन मास में क्या क्या सावधानी बरतें। फाल्गुन महीने की शुरुआत से ही शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। रात्रि के समय भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। फल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें। सुगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूलों से उपासना करें और शुद्ध घी का दिया जलाएं। नशीली चीजों और मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे और ज्यादा दुविधा का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। फाल्गुन मास के इस पावन महीने में भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। फाल्गुन मास से ही रात्रि में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अपने कुल गुरु देवी देवता की उपासना जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से शुद्ध अबीर गुलाल के साथ साथ पीले फल अर्पण करें।
इससे गुस्से या चिड़चिड़ाहट की समस्या से निजात मिलेगा। अपने स्नान के जल में सुगंधित केवड़ा मिलाकर स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। इससे मानसिक अवसाद की शिकायत दूर होगी। भगवान शिव को पूरे महीने पंचामृत के साथ साथ सफेद चंदन भी अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। माँ लक्ष्मी को शुद्ध गुलाब का इत्र या लाल गुलाब के 5 या 11 फूल जरूर अर्पित करें। इससे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। वैसे आपको बता दें, फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। इस महीने उनको पीले फल अर्पण करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। आप इसी महीने में कृष्ण के तीनों स्वरूपों बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जा सकती है। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। फाल्गुन मास में सूर्य उदय होने से पहले उठें और अपने स्नान के जल में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर स्नान करें। आप भोज पात्र को अपने पूजन स्थल में रखकर 1 दिया जलाएं और गायत्री मंत्र का 3 माला जाप करें। ये महा उपाय आपके जीवन में सदैव खुशियां बरकरार रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।